نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته लेसन नंबर वन के अंदर सबसे पहली चीज़ जो हमने सीखनी है वो है मखरज। मखरज कहते हैं निकलने की जगह को। क्या निकलने की जगह? अरबी में जितने भी हुरूफ हैं अलिफ बा ता सा जीम हा खा वगैरह, इन तमाम हुरूफ की एक आवाज़ है, ठीक है। जैसे बा की आवाज़ बा, खा की आवाज़ खा, ता की आवाज़ ता, तो इन तमाम लेटर्स की आवाज़ जिस जगह से निकलती है उस जगह को हम कहते हैं कि ये उस हर्फ का मखरज है। मखरज का क्या मतलब है? मखरज का मतलब है निकलने की जगह, यानी अरबी के जितने भी हुरूफ हैं उनकी आवाज़ जिस जगह से निकलती है उस जगह को हम कहते हैं मखरज। मिसाल के तौर पे बा का मखरज है हमारे होंठ। हम बा कहाँ से अदा करते हैं? अपने होंठों से। जब हमारे दोनों होंठ आपस में मिलते हैं तब हम अदा करते हैं बा बा। अगर आप चाहें कि आप अपने दोनों होंठों को ना मिलाएं और बा अदा करने की कोशिश करें तो ये हर्फ कभी भी अदा नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसी तरह और भी जितने भी हुरूफ हैं अरबी के वो मुख्तलिफ जगहों से अदा होते हैं। कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो हमारे दांतों की मदद से अदा होते हैं, कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो हमारे हल्क से अदा होते हैं, इसी तरह कुछ हुरूफ ऐसे हैं जो हमारे होंठों से अदा होते हैं, जैसे कि बा की मिसाल दी मैंने आपको। तो इसी तरह मखरज उस जगह को कहते हैं जिस जगह से किसी भी हर्फ की आवाज़ निकलती है, ठीक है। कोई भी हर्फ जिस जगह से अदा किया जाता है उस जगह को हम मखरज कहते हैं। आज के लेसन में हम इंशाल्लाह तीन मखारिज याद करेंगे और इन तीन मखारिज से टोटल छः हुरूफ अदा होते हैं। सिक्स लेटर्स ऐसे हैं जो इन तीन मखारिज से हम अदा करते हैं और इन छः लेटर्स को हम कहते हैं थ्रोट लेटर्स या हुरूफ हलकी। इन सिक्स लेटर्स को हम कहते हैं थ्रोट लेटर्स या हुरूफ हलकी। इनको हम थ्रोट लेटर्स या हुरूफ हलकी क्यों कहते हैं? वो इनके नाम से ही जाहिर है कि ये छः हुरूफ जो हैं वो हमारे हल्क से अदा होते हैं या हमारे थ्रोट से अदा होते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि इन छः हुरूफ का मखरज हमारे हल्क में है, इस वजह से हम इनको कहते हैं हुरूफ हलकी। अब हुरूफ हलकी या थ्रोट लेटर्स कौन कौन से हैं? हमज़ा, हा, ऐन, हा, ग़ैन, खा, ये सिक्स लेटर्स, ये छः हुरूफ जो मैंने अभी पढ़े हैं इनको हम कहते हैं हुरूफ हलकी या थ्रोट लेटर्स। आप अगर साथ साथ नोट्स देखते रहेंगे ना तो आपको मज़ीद क्लियर होता जाएगा। और जब मैं आपको इनके मखारिज एक्सप्लेन करूँगी ना तो कुछ टिप्स ऐसी हैं जो मैं आपको साथ साथ देती जाऊँगी और कुछ टिप्स मैं आपको इन दी एंड दूँगी। अगर आप इन टिप्स को याद रखेंगे और इनकी हेल्प से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी सीख जाएंगे। तो हम पढ़ रहे थे हुरूफ हलकी यानी कि थ्रोट लेटर्स, और ये छः हैं। कौन कौन से? हमज़ा, हा, ऐन, हा, ग़ैन, खा। सबसे पहले हमज़ा और हा का मखरज देख लेते हैं। हमज़ा और हा हमारे हल्क के सबसे नीचे वाले हिस्से से अदा होता है, यानी जो हमारे सीने की तरफ वाला हिस्सा होता है ना हल्क का, वहाँ से बिल्कुल बॉटम ऑफ द थ्रोट से अदा होता है हमज़ा और हा। और इन दोनों लेटर्स की आवाज़ ज़रा भारी होती है। अगर आप गौर करें तो
हमारा जो बॉटम ऑफ द थ्रोट है वहाँ पर हमारे हल्क के बिल्कुल नीचे वाला जो हिस्सा है, दो पॉइंटेड सी बोन्स होती हैं जिनको नॉर्मली हम ब्यूटी बोन्स भी कहते हैं, तो इन दो पॉइंटेड सी बोन्स के दरमियान एक हॉलो सी स्पेस है, वहाँ पर आप अपनी टू फिंगर्स रखें और मेरे साथ पढ़ें, हमज़ा हा, हमज़ा हा, हमज़ा हा। तो आपको फील होगा कि एग्जैक्टली इस जगह पर आपको काफ़ी हैवी सी वाइब्रेशन फील होती है। तो ये एग्जैक्ट मखरज है हमज़ा और हा का, और ये दोनों लेटर्स थोड़े से भारी आवाज़ में पढ़े जाते हैं। मैं आपको जितने भी मखारिज एक्सप्लेन करूंगी, अगर आप साथ साथ उस जगह पर अपनी फिंगर रखते जाए ना, तो आपको हर उस जगह पर एक हैवी वाइब्रेशन फील होगी, जिससे पता चलेगा कि वाकई एग्जैक्टली उस जगह से वो हर्फ अदा हो रहा है। तो हमज़ा हा का मखरज क्या है? बॉटम ऑफ द थ्रोट, यानी हल्क का सबसे नीचे वाला हिस्सा। उसके बाद हम देखते हैं आइन और हा किस जगह से अदा होता है। आइन और हा का मखरज है मिड ऑफ आवर थ्रोट, यानी हमारे हल्क का दरमियानी हिस्सा। आइन और हा का क्या मखरज है? मिड ऑफ आवर थ्रोट, यानी हमारे हल्क का दरमियानी हिस्सा। आइन की आवाज़ जो है वो कोई चीज़ निगलने की सी होती है। आइन की आवाज़ को आपने अलिफ की आवाज़ से नहीं मिलाना। अलिफ की आवाज़ तो बिल्कुल नॉर्मल सी स्ट्रेट सी होती है और वो हमारे मुंह से अदा होता है, हल्क से अदा नहीं होता। लेकिन आइन की आवाज़ थोड़ी निगलने की सी होती है और वो हमारे हल्क के दरमियानी हिस्से से अदा होता है। अगर आप नोट करें तो इस जगह पर भी जो हमारा हल्क का दरमियानी हिस्सा है, एक पॉइंटेड सी बोन होती है। जब हम निगलते हैं कोई भी चीज़ अपने हल्क से खाना खाते हुए, तो ये बोन जो है ये ऊपर नीचे होती है। तो एग्जैक्टली ये जगह जो है ये आइन का मखरज है। इन लेटर्स की प्रैक्टिस के लिए आपने इस तरह से करना है कि इन लेटर्स को बार बार पढ़ना है, जैसे कि आइन आ, आइन आ, आइन आ। ठीक है, एक तो ये इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है बार बार इन लेटर्स को बोल के। उसके अलावा एंड पे मैं आपको कुछ वर्ड्स भी बताऊंगी जिनकी मदद से आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अरबी के जितने भी हरूफ हैं ना, उनमें सिर्फ चंद दो से तीन लेटर्स ऐसे हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, जिनमें से आइन जो है ना वो सबसे टॉप पे है ऑलमोस्ट। तो आइन की प्रोनंसिएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, इसकी आपने प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा करनी है। और नॉर्मली मैं अपने स्टूडेंट्स को कहा करती हूँ कि जब तक आइन की प्रैक्टिस करते हुए आपके गले में दर्द ना होने लगे ना, इट मीन्स आपने उसकी प्रैक्टिस सही से नहीं की और आपको वो अदा करना नहीं आया। क्योंकि जिसको ऑलरेडी ये अदा करना ना आता हो, जो बिगिनर हो, अभी शुरुआत हो उसकी, तो वो तो जब ये आइन की प्रैक्टिस करता है तो उसके गले में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो आपने बार बार आइन आ, आइन आ, इस तरह से निगलने की सी आवाज़ जैसी होती है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद लेटर है हा। हा को अदा करने के लिए ये टिप है कि हा इस तरह से अदा होता है जैसे हम ठंडी सांस नहीं भरते, इस तरह, इस तरह। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि जब आप ये लेटर अदा करेंगे हा, तो पहले आपकी सांस बाहर आती है, बाद में इस लेटर की आवाज़ बाहर आएगी। ठीक है, ये भी हल्क के दरमियानी हिस्से से अदा होता है, लेकिन इसको अदा करते हुए पहले हमारी सांस बाहर आती है, बाद में इस लेटर की आवाज़। और ख़ास तौर पे जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो लाजमी पहले सांस बाहर ज़बरदस्ती लेके आनी है, बाद में इसकी आवाज़ अदा करनी है। इसी तरह आपको इसकी प्रैक्टिस होगी परफेक्टली। मैं आपको पढ़ के भी इसी तरह बताती हूँ अभी। हा हा हा, इस तरह से आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि आपको आदत हो जाए सांस पहले बाहर निकालने की, ये लेटर अदा करते हुए, और आवाज़ बाद में निकालें आप। ठीक है, तो आइन और हा का मखरज हो गया मिड ऑफ आवर थ्रोट, यानी हमारे हल्क का दरमियानी हिस्सा। अब आखिरी दो लेटर्स हैं हरूफ हल्की के, गौइन और खौ। गौइन और खौ, इन दोनों का मखरज है टॉप पार्ट ऑफ आवर थ्रोट। ठीक है, टॉप ऑफ द थ्रोट से अदा होते हैं, यानी कि हल्क का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है वहाँ से निकलते हैं ये दोनों। जो हिस्सा आगे हमारे मुंह के साथ जॉइन हो रहा होता है ना, उस जगह से निकलते हैं। ये दोनों ही हरूफ जो हैं हमेशा हर हाल में मोटे पढ़े जाते हैं, इनको पढ़ते हुए बारीक सी आवाज़ नहीं,
इन दोनों लेटर्स को जब भी पढ़ना है तो मोटा ही पढ़ना है, हर सूरत मोटा पढ़ना है। गोइन की आवाज तो सिंपल सी है, गोइन गोइन गोइन, ठीक है। और खौ की आवाज निकालते हुए एक बात का ध्यान रखना है, एक तो ये मोटा है, दूसरा इसको बिल्कुल सीधा खा नहीं पढ़ना। अगर आप इसको पढ़ेंगे खा तो ये मोटा नहीं पढ़ा जाएगा, बारीक हो जाएगा, ठीक है। और कुरान में अगर मोटे लफ्ज को बारीक और बारीक को मोटा पढ़ा जाए तो उससे मीनिंग्स भी बदल जाते हैं अक्सर, इसलिए खा जब भी आएगा तो उसको मोटा भी पढ़ना है और गोल पढ़ना है। लाइक खौ खौ खौ, खा नहीं पढ़ना बल्कि खौ। और एक और टिप ये कि खौ अदा करते हुए आपको फील होगा कि टॉप ऑफ द थ्रोट जो है आपका हल्का सबसे ऊपर वाला हिस्सा, वहां पे खरखराहट सी फील होगी इस तरह से। और अगर वो खरखराहट किसी को नहीं फील होती तो प्रैक्टिस के लिए आप ज़बरदस्ती वो खरखराहट बना भी सकते हैं। जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी सी तो वो खुद ब खुद गायब हो जाएगी और इसकी प्रोनाउंसिएशन परफेक्ट हो जाएगी। तो खौ और गोइन, इन दोनों का मखरज है टॉप ऑफ द थ्रोट, यानी कि हमारे हल का सबसे ऊपर वाला हिस्सा। अच्छा, इन द एंड में आप सबको इन दो लेटर्स के लिए ना, आइन और हा, इन दो लेटर्स की प्रैक्टिस के लिए एक एक लफ्ज़ भी बता देती हूँ जिससे और अच्छी आप सब प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइन के लिए जो वर्ड है वो है आऊज़ु, जो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम हम पढ़ते हैं ना, तो इसमें देखें अलिफ और आइन की आवाज़ दोनों साथ साथ आ रही हैं। तो अब आप ज़्यादा अच्छे से खुद गौर कर सकते हैं कि कहीं आइन और अलिफ की आवाज़ में एक जैसी तो नहीं पड़ रही, क्योंकि ये आऊज़ु ऐसे आऊज़ु नहीं है बल्कि आऊज़ु आऊज़ु, ठीक है। आइन और अलिफ की आवाज़ सिमिलर नहीं होनी चाहिए। इस वर्ड को बार बार पढ़ के आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं और ख़ुद अपना टेस्ट ले सकते हैं कि आप इस वर्ड में दोनों की आवाज़ को एक जैसा तो नहीं पढ़ रहे। इसी तरह अलहम्दु, हा के लिए जो लेटर वर्ड है वो है अलहम्दु, सूरतुल फातिहा का सबसे पहला वर्ड है अलहम्दु अलहम्दु। इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है कि सांस पहले बाहर आए और आवाज़ बाद में, इस वर्ड से आपने हा की प्रैक्टिस करनी है। तो ये थे आज के लेसन के सारे मखारिज। मैं एक मरतबा आप सबके लिए क्विक रिव्यू दे देती हूँ। हुरूफ हल्की 6 हैं, थ्रोट लेटर्स 6 हैं। कौन कौन से? हमज़ा हा ऐन हा गोइन खौ। हमज़ा हा बॉटम ऑफ द थ्रोट यानी कि हल्क के सबसे नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। ऐन हा मिड ऑफ द थ्रोट यानी हल्क के दरमियानी हिस्से से अदा होता है। गोइन खौ टॉप ऑफ द थ्रोट हल्क के ऊपर वाले हिस्से से अदा होता है। अब आप सबको जिस तरह इजी लगे इंग्लिश में आप मुझे बता दें थ्रोट लेटर्स टॉप मिड बॉटम कह के, या उर्दू में जिसको इजी लगता है वो उर्दू में मुझे बता देगा टेस्ट में हुरूफ हल्की ऊपर वाला हिस्सा दरमियानी हिस्सा नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।